आज की डेट में हमारी सोसाइटी में इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, किस चीज़ की है कि आपको IIT में एडमिशन मिल जाए, IIMs में एडमिशन मिल जाए, आप पढ़ाई में टॉप कर जाओ, आप ये कर जाओ, आप वो कर जाओ। आप किसी को बोलोगे भैया अपने बच्चे को जाकर के चेस खिलाओ, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लोग हंसेंगे, उन्हें क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या? लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के, कि हुआ क्या, ये चेस को खेल खेल करके, खेल खेल करके, कि जहाँ स्कूल में मैं अपने ध्यान को 5 मिनट के लिए भी एक क्लास में नहीं रोक पा रहा था, मतलब 90% से ज़्यादा क्लासेस में नहीं रोक पा रहा था, 10% क्लासेस ऐसी थी जहाँ पर ध्यान रुकता था, कुछ अच्छे थे, कुछ अच्छी क्लासेस भी थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे चेस खेलते खेलते बाय डिफॉल्ट एफर्टलेसली खेल खेल में ऑब्जर्वेशन पावर्स अपने आप ही बढ़ गए। मतलब आप नहीं भी चाहोगे तो आपको अपने ध्यान को उस गेम में 2 घंटे तक 3 घंटे तक 4 घंटे तक लगा करके रखना ही पड़ेगा, अगर आपको खेलना है तो, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। यह नहीं हो सकता कि आप सामने किसी के साथ में खेल रहे हो और माइंड में कुछ और सोच रहे हो, नॉट पॉसिबल। तो उससे क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन पावर्स बढ़ी। दूसरी चीज क्या बढ़ी, चेस एक ऐसी गेम है जिसके अंदर बोथ दी साइड्स ऑफ आवर ब्रेन, मतलब कि राइट ब्रेन एज वेल एज लेफ्ट ब्रेन, दोनों का काम पूरे तरीके से होता है। मतलब कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बढ़ गई, लॉजिकल थिंकिंग है वो बढ़ गई, दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो गया। और बिजनेस में और चेस में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं ये बात, ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब कि जो इंट्यूशन है वो बढ़ गई कि क्या करूं अगला, जो स्ट्रैटेजी है वो भी बढ़ गई, वो पावर्स भी बढ़ गई, कॉन्सेंट्रेशन पावर्स बढ़ गई, ऑब्जर्वेशन पावर्स बढ़ गई, ध्यान को एक जगह पर एफर्टलेसली रोकना आ गया। तो यहां से ये मेरी फाउंडेशन है पूरी की पूरी। और बिना अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स के ऊपर काम किए, जिसको आप माइंड बोल सकते हो, बिना अपने माइंड को एक जगह पर टिकाए आप कोई भी काम करने निकल जाओगे, आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे बॉस। एक काम करोगे, एक फेलियर आया फिर हिल जाओगे, कोई प्रॉब्लम आई फिर घबरा जाओगे, कुछ चीज सीखने जाओगे एकदम माइंड कहीं और भागने लग जाएगा। अपने माइंड को पूरी तरह से एक जगह पर रखना है, और बड़ी से बड़ी मुश्किल आ रही है उसको बिना डर के फेस करना है। ये चीजें कहां से आएंगी जब तक बॉडी माइंड और सोल इन तीनों का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये तीनों एक साथ काम नहीं करेंगे। आज जो हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर की फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे बंद होती जा रही है, टीवी इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल खेलना धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, इससे होगा क्या कि लाइफ में अगर कभी इन बच्चों को फिजिकली एग्जर्शन वाला कोई काम करना पड़ गया, क्या ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरी लाइफ की एक ऐसी स्टेज थी जब दिन में मिनिमम मैं 16 से 17 घंटे काम करता था, जब नया नया फोटोग्राफी का कोर्स किया था, निकला हुआ हूँ 6 बजे घर से निकल गया, रात को 12 बजे घर में घुस रहा हूँ, 10 बजे घर में घुस रहा हूँ, 11 बजे घर में घुस रहा हूँ, लगा हूँ 4 किलो का कैमरा उठाया हुआ है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई थकान नहीं। आप ये कह सकते हो कि दर्दे थी, थकान नहीं थी, क्योंकि आदत थी भाई, आदत थी। उस चीज की प्रैक्टिस ऑलरेडी मैं बचपन में अनजाने में कर चुका था 1000 बार।